कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए धनबाद जिले में लॉकडाउन को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। इसके लिए 21 चेक पोस्ट के साथ और भी नई चेक पोस्ट के निर्माण पर पुलिस प्रशासन विचार कर रही है। मुख्य सड़कों पर जहां कहीं भी आवश्यकता महसूस की जाएगी वहां चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा। सिटी एसपी ने बताया कि अभी तक 21 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल भी तैनात है। पुलिस बल लगातार चेक पोस्ट पर निगरानी रख रहे हैं तथा हर आने जाने वाले 4 और 3 व्हीलर्स की जाँच की जा रही है। वहीं गली मोहल्ले में भी टाइगर जवानों की गश्त बढ़ाई जाएगी। अभी भी हमारा कोशिश यही है, अभी तो अब सुबह का माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज सुना ही है, May 3 तक का ये एक्सटेंड हो गया है। अभी हम सोच रहे थोड़ा सख्ती बढ़ाने के लिए और भी कहीं हम यही प्रयास में है लॉकडाउन और अनुपालन करने के लिए कई नया चेक पोस्ट करने के लिए वो प्रयास करेंगे और एग्जिस्टेंस चेक पोस्ट कहाँ है उसको भी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। और लोगों को भी यही अपील है, घर में ही रहिए, कहीं भी अनावश्यक रूप में मूवमेंट मत करिए, मूवमेंट कर रहे तो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। और सब लोग का मतलब हमारा एक एक पुलिस जवान को भी मेरा सल्यूट है, मतलब इसी धूप में इसी के लिए खड़ा है। और मेडिकल वर्कर्स, नगर निगम, मीडिया पर्सन, सब लोग इस फाइट में बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आप सब लोग को प्रयास, हम टीम वर्क जैसा काम करना है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए यही है। इसको कोरोना का सिर्फ यही की मामला है, घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए। सर नंबर ऑफ चेक पोस्ट और कितने बढ़ाने के? नहीं, अभी इसमें सब प्रयास में है, हम देख लें। ठीक, बट अभी ही 20 चेक पोस्ट है धनबाद टाउन के अंदर, मतलब गोविंदपुर, बरोडा सब मिलकर 20 चेक पोस्ट बढ़ गया है। अभी देख लेंगे, मतलब ये भी काफ़ी और चाहिए तो मतलब ये तो इवॉल्व होते रहता है कहीं कहीं, मतलब मतलब पब्लिक का इंटेलिजेंस कैसे आता है, मीडिया पर्सन का इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ आवश्यकता है, तो सारा इनपुट्स लेकर उधर भी। कोरोना के संक्रमण से बचाव तभी मुमकिन है जब लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहें। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।